खुदा है मेरे खुदा, दिल की है गल में आ जा, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है गल में आ जा। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, उसकी ताकत के सामने कोई सामना नहीं कर सकता है। इस महान ईश्वर ने सब सृष्टि को बनाया, अंत में मनुष्य को, और मनुष्य को अपना रूप बनाकर ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा पुरोहिताई की स्थापना हुई, और इसलिए आज मैं उस दयालु परमेश्वर को आप लोगों के साथ मिलकर धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं, क्योंकि उसकी दया ही ने मुझे सेवा कार्य के लिए बुलाया है। मुझ में ऐसा कुछ अच्छा गुण नहीं, पुण्य नहीं, जिस कारण ईश्वर मुझे बुलाए, मगर ईश्वर की दया अपने कार्य करने के लिए जिसे वह चाहता है वह उसे बुलाता है। इसलिए नम्रता पूर्वक आज आप सबों के साथ उस दयालु परमेश्वर की कृपा के लिए, इस महान वरदान के लिए जो पुरोहिताई जीवन मुझे 25 साल तक दिया है, धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं। जब मुझे पुरोहिताई अभिषेक मिला 25 साल पहले, मेरे माँ बाप थे, मेरे भाई बहन और कुछ लोग 12 जन आए थे गांव से। मैं सोच भी नहीं सकता कि 25 साल जुबली कभी बना सकूंगा। मैं जब आज पीछे मुड़कर देखता हूं, यह 25 साल यूं ही बीत गई और आप लोगों के साथ सिल्वर जुबली मनाने का अवसर मिला है, ईश्वर का धन्यवाद देने का सुंदर मौका मिला है, और इसलिए आप सबों के साथ फिर से एक बार ईश्वर को स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आप सब अपने दाहिने हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद मैं याद करना चाहता हूँ मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अभी वो मेरे साथ नहीं है, मैं प्रभु के साथ है। मेरा दो भाई लोग जो मुझसे बड़े थे वे भी प्रभु के साथ है, और जिनको जो कोई भाई लोग जीवित है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, आज के दिन उन सबों को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूं ईश्वर को मेरे महाधर्म पुरोहित धर्माध्यक्ष जिस बिशप स्वामी ने मुझे ऑर्डिनेशन पुरोहिता या अभिषेक दिया, वो भी हमारे साथ नहीं है, लियोबा डिसोजा, और जितने भी पुरोहित गण मेरे से पहले स्वर्गवास हुए जो मेरा साथ दिए, उन सबों के लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, सेंट जॉन मेरी बियानी, आप लोग जानते हो वंदना सेंट जॉन मेरी बियानी कौन है?
फिल्म ने क्या बोली? संरक्षक संत है, पुरोहितों का, सभी मिशनरी पुरोहितों का संरक्षक संत है सेंट जॉन मेरी वियनी। और सेंट जॉन मेरी वियनी पुरोहिताई के बारे में कहते हैं, पुरोहिताई क्या है? इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस। पुरोहिताई प्रोस्टोड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस। पुरोहिताई प्रभु यीशु का दिल का प्यार है। इन्हें हर पुरोहित प्रभु यीशु का दिल का प्यार का प्रतीक है। और संत जॉन मेरी वियनी कहते हैं, यदि हम पुरोहिताई को पूर्ण रूप से समझते हैं, देन वी विल नॉट बी एबल टू लिव। हम जी नहीं सकते हैं, हम मर जाएंगे डर से नहीं मगर प्यार से। पुरोहिताई इतनी महान है और उसको हम इस धरती पर पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। यदि हम समझ लेते हैं, वी विल नॉट बी लिविंग। डर से नहीं मरेंगे मगर प्यार से। इतनी महान प्यार है पुरोहिताई। और जैसे बच्चे रहते हैं, सही में बच्चों की समझ कितनी बड़ी है, बहुत छोटा सा समझ है। और बड़े लोगों की समझ बहुत ऊंचा है। और इसी प्रकार का है, जब हम धरती में रहते हैं, पुरोहिताई हमारे लिए जैसे बच्चों को समझते हैं उतना ज्ञान, इससे ज्यादा हम समझ नहीं पाते हैं। मगर जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, अब जैसे बड़े लोग सोचते हैं उस प्रकार पूर्ण रूप से पुरोहिताई को समझ पाएंगे। एक महान प्यार है। इसे संजान में कहते हैं, ओनली इन हेवन वी विल नो व्हाट योर प्रीस्ट इज। पुरोहिताई ऐसी महान व्यक्ति है या चीज है या प्यार है जिसको हम पूर्ण रूप से सिर्फ स्वर्ग में ही समझ पाएंगे। हम सबों का भी पुरोहिता के बारे में ज्ञान कैसा है? जैसे छोटे बच्चे लोगों की दुनिया के बारे में समझ है। और पुरोहिता इतनी महान वरदान है, प्रवेश ने मुझे क्यों दिया? ये मुन्ना भैया क्यों नहीं दिया? ये अमित को क्यों नहीं दिया? ये कासिमीर को या साइमन को मुझे क्यों चुना? इसलिए ईश्वर ने मुझे चुना है। जैसे हम पहला कुरिन्थी अध्याय 26:30 में हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी अध्याय 26, साइमन कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी अध्याय 26। विचार कीजिए, इसी बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। तो आप लोग इस वचन के मेरे वर्ष बोलिए, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। मैं पागल लोगों उन लोगों को ईश्वर चुनता है जो दुनिया की दृष्टि में मार ईश्वर की दृष्टि में, फिर हमें शर्माने की जरूरत नहीं। जब ईश्वर कहता है मैं मूर्ख लोगों को बुलाता हूं और कमजोर लोगों को मैं बुलाता हूं, वचन कहता है मूर्ख लोगों को चुनता है, शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए, बोलिए शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है, उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है, जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। और गण्यमान्य लोगों का
का घमंड चूर करने के लिए उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने क्या ना करे, घमंड ना करे। तो हर पुरोहित मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, मूर्ख जैसा दुनिया की दृष्टि में, और इसलिए ईश्वर चुना कि ताकि पुरोहिता ही ऐसी एक महान वरदान है, जैसे मैंने कहा ऐसे हम इस दुनिया में समझ नहीं पाते हैं, घमंड न करने के लिए, क्योंकि ईश्वर अपने कार्य को संपन्न करने के लिए मनुष्य की बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, शक्ति नहीं, मगर पवित्र आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करता है। यदि बुद्धिमान को बुलाता है बोलेंगे मुझे ये सब ग्रंथ की जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूं, मुझे ये सभी लोगों की जरूरत है, मैं मेरे बल पर कर सकता हूं, मगर ईश्वर के सामने घमंड ना करने के लिए। और इसलिए मुझ में ऐसा कुछ भी पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है जिसके कारण ईश्वर ने मुझे चुना हो। मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं हर तरह से गिरा हुआ हूं, ताकि मुझे ईश्वर ने इतनी महान वरदान दिया है, ये ईश्वर की कृपा है। और इसलिए जब मैं यीशु के नाम से जीवन जीता हूं, यीशु के नाम से खड़े होता हूं, मिसा बलिदान चढ़ाता हूं, मैं किसी भी बात से गमन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस पुरोहिता की मेरे घर से नहीं लाया, स्वर्ग से मुझे मिला हुआ वरदान है। और इसलिए हर पुरोहित इस प्रकार ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है। इट इज ए गिफ्ट एंड इट इज ए मिस्ट्री। पुरोहिता ही एक वरदान है जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है, और एक रहस्य भी है। रहस्य इसलिए है, क्यों रहस्य? पुरोहिता एक रहस्य है। क्यों रहस्य है आलविन? पुरोहित कहता है रोटी लेकर यह मेरा शरीर है, वो प्रभु में बदल जाता है, यीशु में बदल जाता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर में बदल जाता है। ये कैसे संभव है? इट इज अ मिस्ट्री। इसी समय हम समझ नहीं पाते हैं। आप आकर पाप स्वीकार करते हो, आपकी पाप क्षमा हो जाती है, और यह प्रभु यीशु स्वयं, ये कैसे है? यह मिस्ट्री है, रहस्य है। वैसा हर एक चीज हमारे क्रिस्तीय जीवन में जो होता है, धार्मिक संबंधी बातों में, यह सब एक रहस्य है। रहस्य इसलिए है, प्रवेश में दुनिया के देश में इतने बुद्धिमान लोगों को क्यों नहीं चुना? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। और इसलिए यह रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते। इसलिए संजान मेरी बहनी कहते हैं, पुरोहितों को हम पूर्ण रूप से तभी समझेंगे जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे। क्यों स्वर्ग में? इसलिए हम समझेंगे क्योंकि हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगी, प्रभु का प्यार पूर्ण हो जाएगा, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, वहां किसी बात की अधूरा नहीं। और इसलिए व्हेन वी रीच हेवन वी विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी और महानता, पुरोहिता की महानता को हम तभी समझ पाएंगे, तब तक हम समझेंगे नहीं। इसलिए यह एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। और गिफ्ट इसलिए है, कोई अपना घर से नहीं लाता, इट इज अ स्ट्रेट गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, यीशु के द्वारा हम सबों को दिया हुआ वरदान है। और हम देखते हैं पुरोहित हमारे क्रिस्तीय जीवन में, विश्वासी जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु की सच्चाई को पुरोहित ही हमें समझाता है। पुरोहित के द्वारा ही परिवर्तन होती है, रोटी दाखरस में, रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और लहू में बदलता है। हम सबों का जीवन ईश्वर की ओर परिवर्तित होता है जब पुरोहित के द्वारा जब हम वचन सुनते हैं। हर संस्कार जो हम ग्रहण करते हैं उसके अंदर छिपा हुआ है ईश्वर की सामर्थ्य। परमप्रसाद संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार, हर संस्कार ले लीजिए, देखने में साधारण पानी और रोटी, वह प्रभु के शरीर और लहू में बदल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं पुरोहित के बिना, जैसे मैंने कहा, पुरोहित ही हमें स्वर्ग की ओर रास्ता दिखाता है। विदाउट पुरोहित वी कांट गो टू हेवन।
यदि प्रलय इस प्रकार हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ देता है, बपतिस्मा से लेकर जैसे बच्चे छोटे हैं, एक हफ्ते का एक महीने का पुरोहित की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, और वह उसके बाद परम प्रसाद, उसके बाद दृढ़करण, उसके बाद शादी, उसके बाद बीमार होते हैं मलन के लिए, और उसके बाद दफनाने के लिए। देखो कैसे विश्वासियों के जीवन में पुरोहित जन्म से लेकर आखिरी दम तक आपकी मिट्टी में डालने तक पुरोहित किसके साथ है? आपके साथ है, आपकी सेवा। मतलब हर एक कार्य जो पुरोहित करता है ये प्रभु यीशु की कार्य है। आपको स्वर्ग पहुंचाना, आपको धार्मिक शिक्षा देना, आपको सही रास्ता दिखाना प्रभु का काम है, और प्रभु ने अपने पुरोहितों को नियुक्त किया है। इस प्रकार प्रभु यीशु का सेवक है और पुरोहित, और सेवक होकर आपके जीवन के हर स्थिति में साथ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसलिए आप पुरोहित को अलग नहीं कर सकते हैं, अभी मुझे फादर की जरूरत नहीं, कभी नहीं बोल सकते हैं, ये सब पार्ट ऑफ। इसलिए वो कहते हैं ना, पुरोहित प्रीस्ट इज द मेंबर ऑफ एवरी फैमिली। पुरोहित हर परिवार का सदस्य है, मगर इज नॉट अटैच्ड टू एनीवन। मैं सभी परिवारों का सदस्य है, मगर किसी एक परिवार के साथ मैं चिपके नहीं रहता हूं। आई एम मेंबर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। ना तो मैं, मेरे बाद आने वाले हर पुरोहित। इसलिए मैंने कहा जब आज हम उस पुरोहित को सम्मान करते हैं, या 25 साल की जीवन की पुरोहित जीवन पे सम्मान करते हैं, ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, मगर क्योंकि ये पुरोहित मेरा नहीं है, इट इज गॉड्स। तो ईश्वर को स्वयं आप सम्मान करते हो, ईश्वर को स्वयं आप स्तुति करते हो। ये ईश्वर यदि आपने हमारे बीच में कलीसिया में पुरोहिताई नहीं दिया होता, हम स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे, आपके ज्ञान कैसे हम प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी पुरोहित हमारे साथ है, और इसलिए आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रभु आपकी पुरोहित के लिए मुझे धन्यवाद। पुरोहित प्रभु यीशु के स्थान पर है, प्रवेश का कार्य आपके जीवन में संपन्न बनाता है। आगे चलकर हम देखते हैं पोप स्वामी बेनेडिक्ट 16वें हमें याद दिलाते हैं। पोप स्वामी बेनेडिक्ट 16वें कहां है? बेनेडिक्ट 16वें हाल में वेटिकन में, मतलब रिटायर होकर है, मालूम है क्या? तो जब वो पोप स्वामी थे, अभी भी पोप स्वामी है, मगर उन्होंने हमें याद दिलाते हैं प्रीस्ट इज अल्टर क्रिस्टस। प्रीस्ट क्या है? अल्टर क्रिस्टस मतलब अनदर क्राइस्ट। प्रीस्ट इज अनदर क्राइस्ट, दूसरा प्रभु यीशु है। कितनी सम्मान की बात है, और इसलिए प्रीस्ट घमंड ना करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुनता है। प्रीस्ट इज अनदर क्राइस्ट, और इसलिए प्रभु यीशु के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है हर पुरोहित। अनदर क्राइस्ट यानी उतना ही गहराई से प्रभु यीशु के साथ हर पुरोहित को क्या करना चाहिए? जुड़े रहने चाहिए, और पुरोहित प्रभु यीशु के समान दास बनकर, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं दास बने, बना कि नहीं? जैसे कि हम फिलिपी 2:6 में हम पढ़ेंगे, फिलिपी 2:6 में, फिलिपी 2:6 पढ़िए जैकब सर। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें। आगे फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर
अपने को दीनहीन बना लिया, अपने को दीनहीन बना लिया। तो प्रभु यीशु मनुष्य बने और क्या बने? दास बने। यदि ईश्वर दास बन सकता है तो हर पुरोहित भी जो यीशु के स्थान लेता है इससे सेवक है, दास है। जैसे प्रभु यीशु ने दास बनकर मनुष्य बनकर लोगों की सेवा की, वैसा कलीसिया की सेवा में आप विश्वासियों के जीवन में और हर व्यक्ति के जीवन में सेवा कार्य के लिए दास बनकर हर पुरोहित जीता है। और इसलिए हर पुरोहित को प्रभु में जीना है, प्रभु के लिए जीना है और प्रभु के साथ जीना है। नहीं मुन्ना? Yes. कैसे जीना है? प्रभु के साथ, प्रभु के लिए और प्रभु के प्रभु में प्रभु के साथ और प्रभु के लिए जीना है। और इसलिए आज के सुसमाचार हमने सुना, जो मुझे छोड़कर अपने माता पिता भाई बहने रिश्तेदारों को प्यार करेगा वह मेरा योग्य नहीं है। इस मतलब है हर व्यक्ति, ना केवल हर पुरोहित, हर विश्वासी अपने जीवन में प्रभु के लिए पहला प्यार, सबसे पहला प्यार किसके लिए? ईश्वर के लिए। नहीं तो हम आपके प्रभु के योग्य नहीं बन सकते हैं। और इसलिए हर पुरोहित बिलोंग्स टू क्राइस्ट और प्रभु के साथ प्रभु के लिए, इसलिए वह विश्वासियों के हर लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जैसे प्रभु यीशु मध्यस्थ बनकर पिता से प्रार्थना करते हैं, वैसा हर पुरोहित लोगों के बीच मध्यस्थ बनकर ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और आपकी जरूरतों को पिता तक पहुंचाते हैं। इसे मध्यस्थ, हर पुरोहित इसे मीडिएटर, मध्यस्थ बनकर आपके लिए कार्य करते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कैटेगरीज़म ऑफ द कैथोलिक चर्च क्या कहता है पुरोहित के बारे में। हर पुरोहित प्रभु यीशु के नाम से कार्य करता है। हर संस्कार जो पुरोहित देता है यीशु के नाम से देता है। और इसलिए बताया जाता है जब पुरोहित बपतिस्मा देता है, इट इज जीसस इज बैप्टाइजिंग। जब पुरोहित बपतिस्मा देने से कौन देता है? इट इज पुरोहित जीसस हिमसेल्फ इज बैप्टाइजिंग यू। जब पुरोहित कहता है यह मेरा शरीर है, यीशु स्वयं कहते हैं यह मेरा शरीर है, तुम इसे ले लो और खाओ। जब वापसी का संस्कार में पुरोहित आपके पापों को क्षमा करते हैं, इट इज जीसस ओनली इज फॉरगिविंग योर सिंस। इसलिए हर कार्य, हर संस्कार जो पुरोहित करता है यीशु के नाम से आपके साथ करता है। और इसलिए हमारे जीवन में पुरोहित अति महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम हमेशा, ना केवल जुबली के दिन मगर हर समय हर वक्त हम पुरोहितों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, उनको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज इन द प्लेस ऑफ जीसस। इस सच्चाई को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये इतनी बड़ी सम्मान आदर, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? जैसे मैंने कहा, मैं योग्य नहीं हूं, मगर अयोग्य होने के बावजूद भी ईश्वर ने मुझ पर अपनी दया दिखाई और इसलिए मुझे चुना। इसलिए आप मत सोचो फादर आप लोगों से अच्छा है, नहीं, आज ईश्वर ने इसलिए मुझे चुना है ताकि मैं प्रभु की इस महान कृपा के लिए योग्य बनूं। हम अनेक व्यक्ति पापी है, हम कमजोर है, मगर ईश्वर के सामर्थ्य हमें बल प्रदान करता है, ईश्वर के सामर्थ्य हमें रास्ता दिखाता है। और इसके अलावा यदि आप चाहेंगे कि अपना पुरोहित इसी प्रकार पवित्रता में, शुद्धता में, निर्मलता में प्रभु यीशु के समान आपके साथ जीवन जीना है, यह असंभव है, बट इट इज पॉसिबल जब आप फादर के लिए प्रार्थना करते हैं। You must pray for your priest. ईश्वर की कृपा और जिन लोगों की मैं सेवा करता हूं उन लोगों की प्रार्थना। इसलिए you must pray for your priest every day.
क्योंकि आपके समान ही कमजोर है, पर यीशु के समान कार्य करता है। इस महान कार्य संपन्न करने के लिए ईश्वर की कृपा और आप लोगों की मदद या पादों के लिए प्रार्थना करते हो साल में एक बार जब भी याद आती है, नहीं हमेशा याद आने चाहिए। एंड यू मस्ट प्रे डेली फॉर योर प्रीस्ट, है कि नहीं मुन्ना? पुरोहितों पे ना कर मेरे लिए, हर पुरोहित के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। यौहन जॉन पॉल सेकेंड, जॉन पॉल सेकेंड कहाँ है? फिलोमिना। यौहन द्वितीय, दूसरा यौहन द्वितीय स्वर्ग में है और संत भी है, है कि नहीं? संत घोषणा किया उन्होंने जून 1993 में पुरोहिता के बारे में इस बार का इस प्रकार कहा है, पुरोहितों को सिर्फ मिसा बलिदान चढ़ाने से मात्र ना दिना पर्याप्त नहीं, मगर हर पुरोहित को पर्सनल डिवोशन टू द यूक्रेस्ट, हर पुरोहित को यूक्रेस्ट में विशेष भक्ति और प्यार होना चाहिए। यूक्रिस्त में इसलिए विश्वास और भक्ति होना चाहिए क्योंकि यूक्रिस्त हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का उपस्थिति है। जीसस इज देयर, और यदि प्रभु यीशु संस्कार में उपस्थित है ये हमारा विश्वास है, और यदि आप विश्वास करते हैं यूक्रिस्त में यीशु है उसे कैसे हम अकेला छोड़ सकते हैं? यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है आप उसे बैठा कर घूमने जाएंगे? नो, वैसा यूक्रेस्ट में उपस्थित यीशु हमारे प्यार के लिए योग्य है, हमारे सम्मान के लिए योग्य है। इसलिए पोप स्वामी कहते हैं हर पुरोहित मस्ट हैव ए स्पेशल डिवोशन टू द यूक्रेस्ट। सवाल उठता है यूक्रेस्ट में उपस्थित यीशु सिर्फ फादर के लिए है? हर विश्वासी के लिए, यदि हर विश्वासी के लिए यीशु गिरजा में हाजिर है, मेरे समान आप भी विश्वास करते हैं तो आप भी समय निकाल कर यीशु के सामने समय कर बिताना, यीशु को प्यार करना। जब व्हेन यू लव समवन यू स्पेंड टाइम, है कि नहीं मनोती आलविन? आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो आप समय बिताते हैं। सो व्हेन वी लव जीसस वी मस्ट स्पेंड टाइम विद जीसस, इसलिए समय निकाल कर यीशु के सामने बैठना है कि नहीं फिलोमिना? आप अब तक घर काम काम थोड़े बहुत तो नहीं आ सकते, बट व्हेन यू कम एटलीस्ट ऑन संडेस, अगर हमें जल्दी आए प्रभु के साथ बैठकर वी स्पेंड टाइम विद जीसस। क्या बोलते हैं अंश? क्या नाम है? अमित। अमित है कि नहीं? सो वी मस्ट स्पेंड टाइम विद जीसस। आपकी शादी हो गई क्या? होगा, यस। जब शादी हो जाएगा प्यारे प्यारे दोनों साथ बैठकर बातें करेंगे। When you love someone, you spend time. वैसा हमारी एक व्यक्ति प्रभु के साथ भी साइमन समय बिताना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में, आजकल हमारे लिए टैबरनेकल है। पुराने व्यवस्था में क्या था? मंजूषा, ईश्वर की उपस्थिति कहां रहती थी? मंजूषा में रहती थी। और इसलिए हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 37। निर्गमन ग्रंथ 37 हजमे पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ नहीं, मूसा ने तंबू को उठवा कर जुलूस के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कर रखा। उसका नाम क्या रखा? दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह सिंह के बाहर दर्शन कक्ष के बाहर चला जाता। Yes, आपको इस वचन के मेरे बात बोलिए। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्षा रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्षा के पास चला जाता था।
तो ईश्वर स्वयं चाहता है कि हम ईश्वर के सानिध्य में जाए और वहां क्या करें, उनसे क्या ले, परामर्श ले, काउंसलिंग। जब आपके जीवन में समस्या है, जब आपके जीवन में रास्ता नहीं मालूम, कहां भटक रहे, क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको समझाने के लिए, आपको परामर्श देने के लिए ईश्वर हमारे यस टैबरनेकल में हाजिर है और दर्शन कक्षा में जाता है और यीशु से हमारी क्या होती है, बातचीत होती है, वार्तालाप होती है और जीसस हमें समझाते हैं। जैसे आप हमें बोलते हैं वैसा शायद नहीं, मगर जब हम प्रभु के सान्निध्य में बैठते हैं, ईश्वर हमें अच्छी प्रेरणा देता है, ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है। यदि हम प्रभु के सामने कुछ समस्या रखते हैं, यीशु हमें समझाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करता है, ऐसे रास्ते पे जाओ, ऐसा काम करो। इस प्रकार सलाह मशवरा के लिए हम प्रभु के दर्शन कक्षा में, मूसा के समय में ईश्वर की उपस्थिति तंबू में थी और आपके लिए मेरे लिए आज टैबरनेकल में यीशु की उपस्थिति है और इसलिए हम बेसहारा नहीं है, वी आर नॉट हेल्पलेस। यीशु हमें मदद करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। वी मस्ट कम टू हिम, इसलिए हमें प्रभु के शरण जाना चाहिए। और इसलिए हर पुरोहित, एवरी प्रीस्ट इज द फर्स्ट वन ईश्वर के साथ परामर्श करने के लिए, प्रभु के साथ वार्तालाप करने के लिए। और यदि पुरोहित पहला व्यक्ति है यीशु के उपस्थिति में आने के लिए, हर विश्वासी भी इसमें सहभागी होता है और इसलिए हमें इसकी सहारा लेना चाहिए। आगे चलकर पोप फ्रांसिस ने कुछ समय पहले May 4, 2013 में बताया गया है, क्या बताया है, प्रभु यीशु जो क्रूस पर टंगे थे उस समय क्रूस के नीचे कौन खड़े थे, महामारी खड़े थे और कौन थे, योहान प्रेरित था। और माता से देखकर यीशु ने कहा, भद्रे यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है। और बेटे योहान से कहा, यह तुम्हारी मां। योहान जो क्रूस के नीचे खड़ा है वह हम सबों के प्रतिनिधित्व करता है। जब योहान से कहा यीशु ने, यह तुम्हारी मां है, और उसके प्रतिनिधि करने वाले योहान के नाम से हम सभी जन हर विश्वासियों के लिए मां, हमारी मां बनती है, यह तुम्हारी मां है। और जब बच्चे अपने मां के हाथ पकड़ कर रास्ते में चलते हैं, बच्चे के लिए कोई खतरा है, कोई डर है, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, जब छोटे बच्चे मां के हाथ पकड़कर चलते, वैसा हमारे क्रिश्चियन जीवन की यात्रा में बहुत से समस्या है, कैसे दुख है, कैसे संकट है, हम कैसे सामना करें। और इसलिए यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, अपनी मां को हमारे मां के रूप में सबों के लिए दिया है। और इसलिए हम बच्चे बनकर, नम्र बनकर, जब हम उस मां के हाथ पकड़कर विश्वास के साथ आगे चलते हैं, जीवन में कितना भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम सामना कर पाएंगे। मां के सहारा यदि हमारे जीवन में है, यदि उस मां के हाथ पकड़कर अपना जीवन की यात्रा करते हैं, हम जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। हमारे जीवन में आशा का फल बना रहेगा, विश्वास का फल बना रहेगा और हम हर कार्य में सफल होंगे। कैसे माता मरियम यीशु को जीवन के अंत तक साथ दिया है, क्रूस के मरण तक उसके साथ दिया है। यदि पुरोहिताई प्रभु यीशु का दिल का प्यार है, तो हर पुरोहित को भी माता मरियम उतना ही प्यार करती है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती है, जैसे यीशु के उसने साथ दिया अंत तक, वैसा मेरा पुरोहिताई जीवन में वह साथ देती है, जिससे मैं उसके बेटा यीशु के कार्य को पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक संपन्न करूं।
और इसलिए हर पुरोहित के जीवन में माँ की सहारा है और विश्वासियों के जीवन में माँ की सहारा है। इसलिए आप और मैं अपने विश्वास की जीवन की यात्रा में कभी डगमगाने की जरूरत नहीं, निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती है और हमें मदद करती है। और इसके अलावा हम देखते हैं आज हम सबों के लिए इट इज थैंक्सगिविंग डे। कौन सा दिन है? थैंक्सगिविंग डे, धन्यवाद का दिन है। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हर पुरोहित के लिए और आज विशेष रूप से फादर राज के लिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा ही मेरा पुरोहिता ये कार्य सफल होगा और आगे बढ़ेगा। जो पुरोहित आप सबों के लिए अपना जीवन सेवा में समर्पित करता है उसके लिए आपके दिल में जगह होना चाहिए। आपके जीवन के हर अच्छा और बुरा कार्य में फादर को याद करना चाहिए। या ऐसे नहीं कि मिस्टर हो गया फादर, साल भर पूरे हफ्ते भर फादर को भूल जाना, नहीं। आई एम मेंबर ऑफ ईच फैमिली। यदि आपके घर के सदस्य कोई नहीं आया तो आप इंतजार करते हैं और आप मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं। कम से कम डेली यू मस्ट प्रे फॉर योर प्रीस्ट। अपने पुरोहितों के लिए क्या करना चाहिए? यू मस्ट प्रे। वंदना भोज फादर के लिए प्रार्थना करते हो? यस। जब हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं वी आर ग्रेटफुल टू जीसस। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें पुरोहित दिया, इसके द्वारा हमारा विश्वास की जीवन आगे बढ़े। विदाउट पुरोहित कैन यू इमेजिन आपका जीवन क्या हो सकता है? अंधेरे में डूब जाएंगे। इसलिए पुरोहित के लिए आप निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए ना केवल प्रार्थना करते हैं नई पुरोहितों के लिए और न्यू ओकेशंस के लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आखिरी बात हम देखते हैं पुरोहित के जीवन में, पुरोहित स्कूल बना सकता है या कोई बिल्डिंग बना सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है, दुनिया का कोई भी काम क्यों ना करें, करना चाहिए। बट इन सभी कार्यों से बढ़कर है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ योर प्रीस्ट टू बिकम योर होली प्रीस्ट, योर मैन ऑफ गॉड। दैट इज व्हाई वी आर कम टू बी, वी आर बिकम प्रीस्ट टू बिकम इन द प्लेस ऑफ जीसस। इसलिए हम सबों को क्या बनना चाहिए? मैन ऑफ गॉड पहले बनना चाहिए, ईश्वरीय प्रतिनिधि बनना चाहिए। तो यदि ईश्वर का प्रतिनिधि बनना है, इफ आई वो एवरी प्रीस्ट हैज टू बिकम ए मैन ऑफ गॉड, वो यूं ही नहीं बन सकता है आपके सहारे के बिना। यू मस्ट प्रे फॉर योर प्रीस्ट। ईश्वर की सहारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा हर पुरोहित मस्ट बिकम ए मैन ऑफ गॉड, ईश्वरीय प्रतिरूप बनकर आपके सामने कार्य करने के लिए आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत है। क्या आप लोग अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे? जी हां। बच्चे लोग फादर लोग के लिए रोज प्रार्थना करेंगे? जी हां। यस यू मस्ट प्रे एवरी डे इन आवर फैमिली प्रेयर। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस 25 साल पुरोहिता जीवन देखकर मुझ अयोग्य सेवक को आपका प्रतिनिधि बनाया। इस 25 साल की पुरोहिता जीवन के लिए आपके हर आशीष और कृपादानों के लिए निरंतर आप मुझे आपके पावन आत्मा में संभालने के लिए पवित्र आत्मा की वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जितने भी पल्ली में मैंने काम किया, जितने भी लोगों के संपर्क में आया, जितने भी लोग मेरे पुरोहिताई जीवन में मेरी मदद की, उन सभी लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोगों के द्वारा, लोगों को मेरे द्वारा आपके प्यार मिली, आपकी सेवा मिली, आपकी वचन मिली, इन सभी लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और ये दया सागर पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के पुरोहिताई में मुझे शामिल बनाकर मुझे अयोग्य सेवक को आपकी दया बरसाई है। इस 25 साल की पुरोहिताई जीवन की दया के लिए, क्षमा के लिए, प्यार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं
आने वाले समय में ये करुणा सागर पिता इसी प्रकार मुझे संचालित कीजिए। मेरी आमला पल्ली के सभी परिवारजनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक व्यक्तियों को आपकी प्यार से भर दीजिए। हर एक व्यक्ति आपके अपने जीवन में आपकी प्यार को मेरे द्वारा निरंतर अनुभव कर सके। इस प्रकार हम सब आपकी विश्वासी प्रजा बनकर एक दिन उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सके और बहुत से लोगों को आपके राज्य में ला सके। यह वरदान हमें प्रदान कर हमारी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम सब बड़े खड़े होकर अपने विश्वास के साथ करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के विश्वास करता हूँ और ईश्वर के लौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्राइस्ट में जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर प्रकाश से प्रकाश सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है।
हे दया में स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से 25 साल की पुरोहिता जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। विश्व के हर पुरोहितों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर पुरोहितों को आप अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, जिससे वे हमेशा आपकी प्रतिनिधि बनकर जीवन जी सके। और आप मध्यस्थ बनकर हमारी प्रजा के लिए, हमारे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, विशेष जो यहाँ आज हुए हैं, प्रवेश हर एक व्यक्तियों पर आपके पवित्र हाथ रखिए, उन्हें अपने पवित्र लहू से धोइए, हर एक व्यक्तियों को आपकी प्यार से भर दीजिए, जिससे वे निरंतर आपकी प्यार को अनुभव करते हुए सदा तेरी स्तुति और महिमा करने वाले बने। और हम प्रार्थना करते हैं प्रवेश, बहुत से युवक युवतियों को आपकी सेवा कार्य के लिए बुलाइए, जिससे आपके कार्य आगे बढ़ सके। और हमारे पहले में जितने भी लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, प्रभु यीशु उन सबों पर आप आशीष रखिए, दीजिए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य लाभ दीजिए। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्राइस्ट के द्वारा। टैबरनेकल में यीशु की उपस्थिति है और इसलिए हम बेसहारा नहीं है। वी आर नॉट हेल्पलेस। यीशु हमें मदद करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। वी मस्ट कम टू हिम। इसलिए हमें प्रभु के शरण जाना चाहिए। और इसलिए हर पुरोहित, एवरी प्रीस्ट इज द फर्स्ट वन ईश्वर के साथ परामर्श करने के लिए, प्रभु के साथ वार्तालाप करने के लिए। और यदि पुरोहित पहला व्यक्ति है यीशु के उपस्थिति में आने के लिए, हर विश्वासी भी इसमें सहभागी होता है। और इसलिए हमें इसकी सहारा लेना चाहिए। आगे चलकर पोप फ्रांसिस ने कुछ समय पहले मई 4 तारीख को 2013 में बताया गया है। क्या बताया है? प्रभु यीशु जो क्रूस पर टंगे थे, उस समय क्रूस के नीचे कौन खड़े थे? मामरियम खड़े थे। और कौन थे? कौन? योहान प्रेरित था। और माता से देखकर यीशु ने कहा, बद्रे यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है। और बेटे योहान से कहा, यह तुम्हारी मां। योहान जो क्रूस के नीचे खड़ा है, वह हम सबों के प्रतिनिधित्व करता है। जब योहान से कहा यीशु ने, यह तुम्हारी मां है, और उसके प्रतिनिधि करने वाले योहान के नाम से हम सभी जन हर विश्वासियों के लिए मां, हमारी मां बनती है, यह तुम्हारी मां है। और जब बच्चे अपने मां के हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं, बच्चे के लिए कोई खतरा है? कोई डर है? कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। जब छोटे बच्चे मां के हाथ पकड़कर चलते, वैसा हमारे क्रिश्चियन जीवन की यात्रा में बहुत से समस्या है, कैसे दुख है, कैसे संकट है, हम कैसे सामना करें। और इसलिए यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, अपनी मां को हमारे मां के रूप में सबों के लिए दिया है। और इसलिए हम बच्चे बनकर, नम्र बनकर, जब हम उस मां के हाथ पकड़कर विश्वास के साथ आगे चलते हैं, जीवन में कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम सामना कर पाएंगे। मां के सहारा यदि हमारे जीवन में है, यदि उस मां के हाथ पकड़कर अपना जीवन की यात्रा करते हैं, हम जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। हमारे जीवन में आशा का फल बना रहेगा, विश्वास का फल बना रहेगा, और हम हर कार्य में सफल होंगे। कैसे माता मरियम यीशु को जीवन के अंत तक साथ दिया है, क्रूस के मरण तक उसके साथ दिया है। यदि पुरोहिताई प्रभु यीशु का दिल का प्यार है, तो हर पुरोहित को भी माता मरियम उतना ही प्यार करती है। मुझे अकेला नहीं छोड़ती है, जैसे यीशु के उसने साथ दिया अंत तक, वैसा मेरा पुरोहिताई जीवन में वह साथ देती है, जिससे मैं उसके बेटा यीशु के कार्य को पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक संपन्न करूं। और इसलिए हर पुरोहित के जीवन में मां की सहारा है, और विश्वासियों के
के जीवन में माँ की सहारा है, इसलिए आप और मैं अपने विश्वास के जीवन की यात्रा में कभी डगमगाने की जरूरत नहीं, निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती है और हमें मदद करती है। और इसके अलावा हम देखते हैं आज हम सबों के लिए इट इज योर थैंक्स गिविंग डे। कौन सा दिन है? थैंक्स गिविंग डे, धन्यवाद का दिन है, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हर पुरोहित के लिए और आज विशेष रूप से फादर राज के लिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा ही मेरा पुरोहिता ये कार्य सफल होगा और आगे बढ़ेगा। जो पुरोहित आप सबों के लिए अपना जीवन सेवा में समर्पित करता है उसके लिए आपके दिल में जगह होना चाहिए। आपके जीवन के हर अच्छा और बुरा कार्य में फादर को याद करना चाहिए। या ऐसे नहीं कि मिसल हो गया फादर साल भर पूरे हफ्ते भर फादर को भूल जाना ही। नहीं, आई एम मेंबर ऑफ ईच फैमिली। यदि आपके घर के सदस्य कोई नहीं आया तो आप इंतजार करते हैं और आप मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं। कम से कम डेली यू मस्ट प्रे फॉर योर प्रीस। अपने पुरोहितों के लिए क्या करना चाहिए? यू मस्ट प्रे। वंदना रोज फादर के लिए प्रार्थना करते हो? यस। जब हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं वी आर ग्रेटफुल टू जीसस। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें पुरोहित दिया, इसके द्वारा हमारा विश्वास की जीवन आगे बढ़े। विदाउट पुरोहित कैन यू इमेजिन आपका जीवन क्या हो सकता है? अंधेरे में डूब जाएंगे। इसलिए पुरोहित के लिए आप निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए ना केवल प्रार्थना करते हैं नई पुरोहितों के लिए और न्यू ओकेशंस के लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आखिरी बात हम देखते हैं पुरोहित के जीवन में, पुरोहित स्कूल बना सकता है या कोई बिल्डिंग बना सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है, दुनिया का कोई भी काम क्यों ना करें, करना चाहिए। बट इन सभी कार्यों से बढ़कर है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ योर प्रीस्ट टू बिकम योर होली प्रीस्ट, योर मैन ऑफ गॉड। That is why we have come to be, we have become priests to become in the place of Jesus. इसलिए हम सबों क्या बनना चाहिए? Man of God पहले बनना चाहिए, ईश्वरीय प्रतिनिधि बनना चाहिए। तो यदि ईश्वर का प्रतिनिधि बनना है, if I or every priest has to become a man of God, वो यूं ही नहीं बन सकता है आपके सहारे के बिना। You must pray for your priest. ईश्वर की सहारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा हर पुरोहित मस्ट बिकम ए मैन ऑफ गॉड, ईश्वरीय प्रतिरूप बनकर आपके सामने कार्य करने के लिए आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत है। क्या आप लोग अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे? जी हां। बच्चे लोग फादर लोग के लिए रोज प्रार्थना करेंगे? जी हां। यस, वी मस्ट प्रे एवरीडे इन आवर फैमिली प्रेयर। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस 25 साल पुरोहिता जीवन देखकर मुझ अयोग्य सेवक को आपका प्रतिनिधि बनाया। इस 25 साल की पुरोहिता जीवन के लिए आपके हर आशीष और कृपादानों के लिए निरंतर आप मुझे आपके पावन आत्मा में संभालने के लिए पवित्र आत्मा की वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जितने भी पल्ली में मैंने काम किया, जितने भी लोगों के संपर्क में आया, जितने भी लोग मेरे पुरोहिताई जीवन में मेरी मदद की, उन सभी लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोगों के द्वारा लोगों को मेरे द्वारा आपके प्यार मिली, आपकी सेवा मिली, आपकी वचन मिली, इन सभी लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और ये दया सागर पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के पुरोहिताई में मुझे शामिल बनाकर मुझे अयोग्य सेवक को आपकी दया बरसाई है। इस 25 साल की पुरोहिताई जीवन की दया के लिए, क्षमा के लिए, प्यार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में ये करुणा सागर पिता
इसी प्रकार मुझे संचालित कीजिए। मेरी आमला पल्ली के सभी परिवारजनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक व्यक्तियों को आपकी प्यार से भर दीजिए। हर एक व्यक्ति आपके अपने जीवन में आपकी प्यार को मेरे द्वारा निरंतर अनुभव कर सके। इस प्रकार हम सब आपकी विश्वासी प्रजा बनकर एक दिन उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सके और बहुत से लोगों को आपके राज्य में ला सके। यह वरदान हमें प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।